चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत में इंटरनेट के 25 साल। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसकी वर्तमान स्थिति को समझेंगे और इसे लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? भारत में इंटरनेट के 25 साल पूरे हो गए हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, लेकिन इसका कमर्शियल स्तर पर इस्तेमाल 1995 में शुरू हुआ। 1995 में भारत में पहली बार विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से इंटरनेट का कमर्शियल इस्तेमाल हुआ था। उस दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त 9.6 kbps स्पीड की इंटरनेट के लिए 2,40,000 रुपए देने होते थे, जबकि आज 100 mbps तक की स्पीड आसानी से मिल जाती है। 2000 में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 55 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी और अब भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 70 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। 1989 में इंटरनेट का इस्तेमाल शिक्षा और शोध कार्य के लिए ही होता था। उस दौरान नेशनल रिसर्च नेटवर्क के जरिए इंटरनेट मिलता था। इसका संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता था। 1995 के दौर में सिर्फ सत्यम इन्फोवे एक ISP प्रोवाइडर कंपनी थी, जबकि आज देश में 358 से अधिक ISP कंपनियां हैं, जो लोगों को घरों तक इंटरनेट पहुंचा रही है। अब इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। साल 2016 में जियो के बाद 4G का जन्म हुआ और लोगों को फ्री में इंटरनेट मिलने लगा। इसके बाद तमाम कंपनियों को 4G सेवा देनी पड़ी और भारत में इंटरनेट दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सस्ता हो गया। भारत में 1 GB डाटा की कीमत 6.75 रुपए है, जो कि दुनिया में सबसे सस्ता है, जबकि अफ्रीकी देश मलावी में 1 GB डाटा के लिए 2,053 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इंटरनेट को लेकर भारत की भविष्य की योजनाएं क्या है, इस पर अब हम बात करते हैं। भारत में इंटरनेट की स्थिति बेहतर करने और गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार भी काम कर रही है। प्रत्येक घर को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को की गई। इसके तहत 31 मार्च 2021 तक बिहार के सभी लगभग 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। इस योजना को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आज का प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प ए 1989 में, विकल्प बी 1995 में, विकल्प सी 1998 में, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।